नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। उपमंडल स्वारघाट के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट में कोविशील्ड वैक्सीनेशन का शुभारंभ एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने किया। खंड चिकित्सा अधिकारी खंड श्री नैना देवी डॉक्टर वाई आर रवि ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन में पहले CHC नालागढ़ में 22 जनवरी को 100 लोगों को पहली खुराक दी गई थी। इसी कड़ी में शुक्रवार को आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट में कोविशील्ड वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पहले चरण में 100 लोगों को पहली खुराक दी जाएगी। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहली खुराक दी गई, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता स्वास्थ्य शिक्षक खंड श्री नैना देवी जसपाल चंद को पहला टीका लगाकर किया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाई आर रवि ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन का कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है, इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वारघाट में कोविशील्ड वैक्सीनेशन का पूरा इंतजाम किया गया है, प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती की गई है। टीका लगाने के बाद आधा घंटा तक उस व्यक्ति को डॉक्टरों की देखरेख में रखा जा रहा है। पूरी तरह ठीक रहने के बाद लोगों को घर भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन का दूसरा इंजेक्शन 28 दिन के बाद लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जतिन बैंस, स्वास्थ्य शिक्षक जसपाल चंद, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीताराम संधू सहित प्रशिक्षित स्टाफ सेवाएं दे रहा है। मैं जसपाल चंद, हेल्थ एजुकेटर ब्लॉक खंड श्री नैना देवी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी श्री सीताराम जी संधू, और हमारी जो आज कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का यहाँ पे सेशन, दूसरा सेशन शुरू होने जा रहा है खंड श्री नैना देवी जी में, जिसका शुभारंभ आज श्री का शुभारंभ श्रीमान SDM साहब स्वारघाट ने किया है। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस शिविर का शुभारंभ किया। ये कोविशील्ड का जो वैक्सीनेशन है, ये हमारा 100 बेनिफिशरी का टारगेट है आज दिया हुआ हमारे को, जिसमें पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हमने उनको पिछले कल से कॉल कर रहे हैं, तो लोग आएंगे, जैसे जैसे लोग आते रहेंगे हम उनको वैक्सीनेशन करते जाएंगे। और सबसे पहले हम जैसे वैक्सीनेशन के बेनिफिशरी हमारे आएंगे, उनके लिए हमने हैंड वॉशिंग के लिए रखा हुआ है। आगे हमारा पुलिस का कर्मचारी होगा जो उसकी वेरिफिकेशन करेगा, ID प्रूफ, आधार कार्ड जैसे देखेंगे। उसके बाद ऊपर ऑनलाइन होगा उसका बायोडाटा। उसके बाद उसको वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। 10 लोग जब हमारे वेटिंग रूम में आ जाएंगे, तो हम उनको एक एक करके वैक्सीनेशन रूम में भेजेंगे। उसके बाद उसको वैक्सीनेशन लगेगा। वैक्सीनेशन होने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में, निगरानी कक्ष में उनको बिठाया जाएगा, हर बंदे को 30 मिनट तक। अगर उसमें उनको कुछ चक्कर वगैरह या उल्टी या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ डॉक्टर साहब का इंतजाम है, डॉक्टर साहब उसको ट्रीट करेंगे। अगर किसी को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम उसको 30 मिनट के बाद घर भेज देंगे। और उसके बाद फिर हम उनको 28 दिन बाद दूसरी डोज देंगे। उसके लिए जो भी हमारी यहाँ डेट होगी, उसके अनुसार हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।